हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अंकिता शाहरुख मनीष कैशव। तो भाई साहब, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी जो पहले अंकिता और शाहरुख वाले मनीष कैशव का इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? वन टू थ्री स्टार्ट। कहीं जो है ना बाप जो है ना मर्द बेटा पैदा कर दिया है। अगर बाप जो है ना मर्द के रूप में मर्द बेटा पैदा किया होता ना, तो इस प्रकार की घटना ही नहीं। और मैं झारखंड पुलिस से विनती करूंगा, दौड़ा के मार दीजिए उसको। अगर हम लोग किसी भी दुमका के पार्क में या झारखंड के पार्क में या बिहार के पार्क में अगर छेड़खानी नहीं होने देंगे, लौंडियाबाजी नहीं होने देंगे, तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटे। इस प्रकार का कहीं भी घटना घटता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार वाले को और एक सरकारी नौकरी आपके 1 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। मिलेगा, आ गया हूँ ना मैं, आप दिलवाइएगा एकदम। मैं उसी रूम में हूँ जहाँ पे देख सकते हैं अंकिता को जलाया गया था। जी हाँ, मैं अभी दुमका में हूँ जहाँ पे अंकिता सिंह जो लड़की थी, जिनके प्रेमी आशिक जो था सरफिरा शाहरुख, वो जलाया था। यहीं से पेट्रोल डालकर, ये बेड पे सोई हुई थी अंकिता, और यहीं पे पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। बहरहाल देख सकते हैं घर पे बहुत सारे लोग का आना जाना हो रहा है और ये पूरे दुमका में 144 धारा लगा हुआ है। इस कहानी को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया और छोटी मीडिया सब इसी पे बात कर रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं धर्म का एंगल भी दिया जा रहा है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मनीष भैया भी आए हुए हैं जो सनब बिहार है, वो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं। बहुत सारे लोग इसको धर्म से रिलेट कर रहे हैं। जो आशिक है उसका नाम शाहरुख है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आशिक नहीं है वो, सिरफिरा आशिक है। आशिक और सिरफिरा आशिक में फर्क होता है। आशिक मतलब कि वो देख समझ के हुआ, और सिरफिरा आशिक मतलब जबरदस्ती कर रहा है, तो वो सिरफिरा आशिक है। और धर्म के नाम से इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। आप इंसाफ दिलवाइए और मैं झारखंड पुलिस से विनती करूंगा, दौड़ा के मार दीजिए उसको, मार दीजिए दौड़ा के एकदम। ऐसा लगातार घटना घट रही है, बिहार में भी घटती है और यहाँ पे झारखंड में तो लगातार घट ही रही है। अभी कुछ दिन पहले तेजाब भी फेंका गया है। क्या कहना चाहते हैं, क्या गलती है प्रशासन की जो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है? देखिए, अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था, ये सारा कानून जो है ना अंग्रेज बनाए थे। अंग्रेज उस समय भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे, इसलिए इस कानून को लिबरल बनाया गया है, कमजोर बनाया गया है, ताकि अंग्रेजों से गलती हो जाए तो उन्हें इंसाफ मिल जाए, वो बच जाए, कानून के चंगुल से बच जाए। अंग्रेज चले गए, यानी गोरे अंग्रेज चले गए, उसके बाद से काले अंग्रेज आए। नेताओं के बच्चों से गलती हो जाती है, नेताओं से गलती हो जाती है, तो वो लोग अपने बच्चों को अपने अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो इसलिए ये सब कानून। हरियाणा में एक नेता ने रेप किया था एयर होस्टेज के साथ, आपको पता होगा, वो बच गया, अभी सांसद है वो शायद से ठीक है, उस समय मंत्री था। तो इसलिए ये सब कानून को जो है कमजोर बनाया गया है। जिस दिन बिहार में एक विधायक है ना रेप के केस में, यूपी में एक सांसद है ना रेप के केस में, है ना, जिस दिन उन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाएगा ना, ऑटोमेटिक इस प्रकार का घटना जो है बंद हो जाएगा। जो अंकिता सिंह थी अभी 12th में पढ़ रही थी, अफसर बनना चाहती थी और कहीं ना कहीं दादा का सेवा करना चाहती थी, बहुत दुख की बात है कि उस दुनिया में नहीं है, उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग जो है एक अपराध को जो है ना हम लोग दूसरा एंगल दे देंगे और दूसरा एंगल दे देंगे, उसमें अपराधी का के साथ भी कुछ लोग खड़े हो जाएंगे धर्म के नाम पे और कुछ लोग इधर खड़े हो जाएंगे। अरे कुछ दूसरा एंगल देने की जरूरत नहीं है। झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ है, 1-1 रुपया देंगे 3.5 करोड़ इस परिवार को मिलेगा। 3.5 करोड़ रुपया मैं क्यों मांग रहा हूँ इस परिवार के लिए, 1-1 रुपया झारखंड के लोगों से, क्योंकि 3.5 करोड़ रुपया में ये बढ़िया वकील रखेंगे और 1 साल के अंदर अंदर उसे फांसी पर लटकवा देंगे। इनका जो कंडीशन है देख सकते हैं, कैमरा में थोड़ा सा दिखाइए आप, ये बहुत ही गरीब है, कहाँ से वकील करेंगे, कहाँ से इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगी। जो लड़का है जो आपने बोला कि देखिए सलमान खान को वकील मिल जाता है, जो सीधे जो है वो लोगों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाया रहता है मुंबई में, अमिताभ बच्चन को वकील मिल जाता है, शाहरुख खान के बेटे के लिए वकील एकदम हवाई जहाज से आते हैं, केस लड़ते हैं और करोड़ों रुपया लेके जाते हैं, ठीक है। अक्षय कुमार के लिए वकील मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों के लिए अंबानी अडानी टाटा बिरला सबका केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में सबका चलता है, उन लोगों के लिए वकील मिल जाता है। गरीब के लिए वकील क्यों नहीं मिलता है,
क्यों नहीं आता है? लोग बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है संविधान में सबको समानता का अधिकार है। कहाँ समानता का अधिकार है? अगर यहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस होता, एक एयर एम्बुलेंस का कीमत कितना आता है? 20 करोड़ रुपया। एक नेता के पास उससे ज्यादा का तो गाड़ी होता है, फोर व्हीलर होता है उससे ज्यादा का, एक चुनाव में उससे ज्यादा खर्च कर देता है, 500-500, 1000-1000 करोड़ रुपया का एयरपोर्ट बना सकते हैं, एम्स बना सकते हैं, बड़ा बड़ा अस्पताल बना सकते हैं, और उसमें अंकिता जैसी लड़की का इलाज नहीं होगा तो फायदा क्या? ये लड़की 6 दिन हॉस्पिटल में थी, वहां पे अगर ये लड़की दिल्ली एम्स में होती, मैं मुझे गर्व है कि हमारे भारत में एक अस्पताल है जिसमें दुनिया के दूसरे दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं इलाज कराने, जिसका नाम है एम्स, एम्स दिल्ली। अगर ये लड़की एम्स दिल्ली में पहुंच गई होती तो बच गई। 6 दिन से लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, कोई प्रशासन इनके पास नहीं गया। अब जब दुनिया में नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं आना जाना बड़े बड़े अधिकारी का। प्रशासन की गलती नहीं है। पहले आप देखे थे अंग्रेजों के समय में हाफ पैंट में जो है होमगार्ड के जवान रहते थे, घोड़ा पे आते थे, गांव में लोगों को मारते थे। हाँ। वो हमारे ही लोग थे, अंग्रेजों ने उनको सैलरी दिया था। ये लोग भी हमारे ही लोग हैं, सभी लोग। मेरे भी पिताजी आर्मी में हैं, मेरा भाई जो है वो पुलिस में है, बहुत सारे लोग जो है इन सब चीजों हम लोग जानते हैं, करीब से जानते हैं। इन लोगों को जो आदेश होगा वही करेंगे। हर किसी के पीछे जो है एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता है। 135 करोड़ जनसंख्या है, 135 करोड़ पुलिस वाला नहीं बन सकता है। तो समाज की का भी कुछ दायित्व बनता है। अगर हम लोग किसी भी दुमका के पार्क में या झारखंड के पार्क में या बिहार के पार्क में अगर छेड़खानी नहीं होने देंगे, लौंडियाबाजी नहीं होने देंगे, तो शायद इस प्रकार का घटना नहीं घटेगा। ये बहुत ही गरीब है, जैसा कहा कि आपने कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट। सिर्फ यही गरीब नहीं है, इनसे भी गरीब गरीब लोग हैं झारखंड में ही हैं, जो और भी सारे समस्याओं से परेशान हैं। अच्छा, 4 लाख में इनका क्या भरण पोषण हो जाएगा? क्या जो जिंदगी है इनकी कट जाएगी क्या? वो 4 लाख जो है 1990 से पहले एक कानून बना था कि आपदा में किसी भी प्रकार का घटना घटता है, या नाव हादसा हो, रोड एक्सीडेंट हो, या वो जो बिजली गिरता है ऊपर से वैसा हो, या इस प्रकार का घटना हो, तो 4 लाख रुपया दिया जाएगा। 1990 में विधायकों का, सांसदों का कितना सैलरी था, वो आज कितना हो गया है, उस हिसाब से इसमें भी रिवाइज करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, इस प्रकार का कहीं भी घटना घटता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार वाले को और एक सरकारी नौकरी लगता है आपकी 1 करोड़ रुपया इनको मिलेगा? मिलेगा, आ गया हूं ना मैं, आप दिलवाइएगा एकदम, 10 दिन के अंदर इनके खाते में 1 करोड़ रुपया रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हैं मनीष भैया बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया रहेगा, कैसे रहेगा 1 करोड़? सरकार तो देने से रही, लोग देंगे। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? वो हो जाएगा, मैं बोला ना हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, इसमें भी लोग कुछ लोग सवाल करेंगे कि इसी बेटी के लिए क्यों मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, दूसरे के जिले के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया। हम लोग से जितना होगा उतना कर रहे हैं। हम तो पूरे बिहार के 38 जिला में एक महीना में नहीं जा सकते हैं, झारखंड के सारे जिला में एक महीना में नहीं जा सकते हैं, पूरा देश में भ्रमण तो एक महीना में नहीं कर सकते हैं, प्रयास किया जाए। शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। हो गया, शुरुआत हो गया है। और यहाँ पे जो अच्छा, है आपसे एक संदेश मांग रहे हैं हम, पूरे जो बिहार झारखंड पूरे देश के जो लड़के हैं वो देख रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये ऐसी ऐसी घटना को करने पे मजबूर हो जाते हैं या कर देते हैं? कहीं नहीं तो कहीं जो है ना, बाप जो है नामर्द बेटा पैदा कर दिया है। अगर बाप जो है ना मर्द के रूप में मर्द बेटा पैदा किया होता ना, तो इस प्रकार का घटना ही नहीं होता। परवरिश में कहीं ना कहीं परवरिश की गलती नहीं है, वो पैदा हुआ औलाद में गलती है, वो गलत किया है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा जो जाके किसी लड़की के ऊपर आग लगा दे, ये कर दे, वो कर। शर्म की बात है, शर्म की बात है। आज जो है उसका पूरा संपत्ति जब्त करके जो है ना सरकार इनको दे दे, नहीं देगी ना? देगी, देखिए, देख सकते हैं। बहरहाल हम दुमका के वही अंकिता सिंह के घर पे आया हुआ हूँ और दिखा रहा हूँ कि देखिए उनके घर का क्या स्थिति है, और देख सकते हैं यही वो घर है जहाँ पे जलाया गया था। बहरहाल इसको लेके आप क्या सोचते हैं, अंकिता सिंह को लेकर क्या सोचते हैं, जो शाहरुख उनका जो आवारा आशिक जो बोला जा रहा है उनको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये दुख, ये घटना जो है ना वाकई बड़ी दुख भरी है। और देखा जाए तो भाई साहब गरीबों का ना वो ना वकील मिलता है ना केस सुनते हैं, लेकिन ये वाकया इतना ज्यादा उठ चुका है और इसके लिए तो सब कुछ होगा। अब तो ये बात जो है ना वो अब तारक भाई करने का भी क्या फायदा, 6 दिन हो गए हैं। नहीं, वो 6 दिन तो अस्पताल में वही वही सर बोल रहा था ना, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में करवा देते तो जान तो बच सकती थी ना। चलो जो घटना होनी थी वो मिसाल दे रहे थे कि अगर उस अस्पताल में होती तो, आप पूरे इंडिया में एक ही अस्पताल है तो मुमकिन है कि वहाँ तक पहुँचने में कितनी। मोदी जी भी बोल रहे थे अभी अस्पताल जो है ना वो बहुत कम है। और बाकी भाई साहब ये है कि ये ना ये ऐसे आशंक जो है ना
ऐसे आशय के ऊपर ना भाई दही डाल के ना कुत्ते छोड़ने चाहिए जी, और बीच चौराहे में ऐसे ऐसे आदमियों को ना और लटकाना चाहिए। ये भाई साहब ये प्यार मोहब्बत जो होता है ना ये इस तरह के अक्सर आप आपने देखा होगा कि आज तक कल तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ये आम बात है, और ये जो जबरदस्ती वाला प्यार है ये तो भाई और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो जो भी हो भाई, बहन बेटी जो होती है ना इज्जत सबकी एक जैसी होती है, और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो किसी भी बहन बेटी की इज्जत जो है ना वो सेम होती है, और कोई भी बंदा उसको खराब ना करे जी। और जिस तरह इस शाहरुख ने किया है ना भाई साहब, इसने तो जुल्म की अखीर कर दिए, वो कहते हैं ना एंड को हाथ लगा दिया, और इसके लिए सजा भी भाई ऐसी होनी चाहिए कि पीछे वालों के लिए ना ये इब्रत वो जिस तरह बोल रहे थे मनीष भाई के दड़ा दड़ा के नहीं इसको तो भाई टांगे और उसकी चमड़ी तड़पा तड़पा कर वो जिस तरह जलाया ना भाई उसको लड़की को जलाया भाई, जलन के वजह से यूसुफ जिंदा को जलाना भाई कितना दुख दर्द भाई साहब, तेल डाल के जला दिया, और जब पता है जब चमड़ी सूखती है ना तो कितना दर्द होता है भाई, वो मांस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो भाई बड़ी तकलीफ देती वो, और वो बेचारी लड़की भगवान भाई उसकी आत्मा को शांति दे और उसके घर वालों को भी सफर दे भाई साहब, ये वाकई बहुत दुख वाली बात है। और हमारे हमारे और इंडिया में दोनों मुल्कों में ही ना ये जो हम ब्रिटिश लॉ को आज तक फॉलो कर रहे हैं ना ये भाई बहुत ही सजा बहुत होनी चाहिए रेपिस्ट की या इस तरह के बंदा को, इन्होंने तो बनाया था वो करते थे भाई अपने आप को स्टोर करने के लिए भेजा था ना, जिस तरह हमारे बड़े जो हुक्मरान है या जो बड़े बड़े इसीलिए तो ये तब्दील नहीं होने देते ना, हालांकि इस्लाम में तो है फांसी फांसी है इस्लाम में तो इस्लामी कानून के मुताबिक फांसी है, और ये तो भाई उसने जान ली है इसको तो फांसी बनती है, और फांसी भी ऐसी हो के दुनिया देखे तमाशा इसका के एक फांसी हुई है, फांसी के साथ साथ तारक भाई उसको जुर्माना भी करना चाहिए और भी अच्छा खासा करना ताकि ना उसकी, जो उसकी फैमिली उससे सपोर्ट ले सके, सही बात है, जो नुकसान होना था जो घटना होनी थी वो तो हो और बाकी भाई वो पुराना निजाम जो सही बोलता भाई साहब ने कि जो 1990 बड़े के लिए और कानून है और छोटे के लिए गरीब के लिए और कानून, वो भी भाई 1990 में था कानून के अगर कोई ऐसी घटना होती तो उसको 4 लाख रुपया देते हैं, लेकिन अब जो है वो तनख्वाहें देख लो उस वक्त 25,000 तनख्वाह होती थी, आज इतनी महंगाई हुई है 25 नहीं बल्कि उस वक्त 1990 में तो तकरीबन 7-8 से इतनी होगी, आज जो है लाखों में तनख्वाह है, तो उस हिसाब से ना इस चीज को भी बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है लेकिन ये आवाम के लिए भी फायदेमंद भी है कि गरीब लोगों को सपोर्ट हो जाएगी, अब ये गरीब फैमिली वो वकील वो कह रहे थे कैसे वकील आज भाई देखा जाए तो भाई साहब वकील जो है ना वो एक तो इज्जत उछालते हैं और ऊपर से भाई साहब पैसे भी लेंगे और हर रोज कोई ना कोई ये कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है ना भाई, ये एक माँ बाप के लिए भाई बड़ी शर्म वाली बात होती है, अब वो पता नहीं कैसे कैसे सवाल जो सामने वाला वकील होगा कैसे सवाल करेंगे, अच्छा था तुम्हारी बेटी का मतलब 100 गंदे काम, ये जो रहती इज्जत है ना भाई ये वकील उतार देते हैं, तो कुछ फैमिली ऐसी होती है बेचारियां ना कहते हैं कि चलो हम इधर ही ना मामला रफा दफा करते हैं चुप कर जाते हैं कि जो पहले 20 तो गए उससे ज्यादा और ना, लेकिन ये कि अगर माशरे में इस चीज के सुधार के लिए ना हमारे यहाँ तो तकरीबन इतना ये सिस्टम नहीं चलता है, मतलब बहुत कम है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा है, ये जो अक्सर वो पार्कों में मिल बैठ कर एंजॉय कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, होते हैं लेकिन बहुत कम है, और वो बस ज्यादा से ज्यादा बैठे होंगे उधर तो मतलब किस वो भी हाँ वो उधर तो सिलसिला जो है, लेकिन भाई साहब इसी वजह से इस निजाम को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये हादसे जो है ना होने बंद हो जाएंगे बिल्कुल, और ये शरेआम जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर ये इसको प्रमोट जो है ना ये बॉलीवुड ने किया था, लेकिन बॉलीवुड तो चलो गया अब ये ट्रेंड भी ये जाना चाहिए आस्ता आस्ता जाएगा, इतनी जल्दी नहीं जाएगा क्योंकि ये अवाम में भाई बहुत ज्यादा फैल चुका है, शादियों को प्रमोट करें शादी करें, अगर कोई औलाद जवान है तो उसकी शादी कर दे बजाय वो इधर उधर मुंह मारे, इसे अच्छा कि वो शादी कर ले अपना घर बसाए, और बाकी भाई साहब दुख की बात है, और किसी भी भाई बहन से बहन के साथ या बेटी के साथ इस तरह का सलूक ना हो, और भाई साहब जो मनीष कश्यप भाई बोल रहे थे कि
पैसे मिलने चाहिए। तो जो आसपास के लोग हैं उनको भी चाहिए कि उस फैमिली को सपोर्ट करें और उनको इंसाफ मिले। और बाज बात ऐसा होता है भाई साहब के कुछ सपोर्ट करने लग जाते लड़के वालों को, कुछ लड़की वालों को, तो जो फिर मामला हो ना रफा दफा ही हो जाता है। तो सपोर्ट करें जो जो उसको सपोर्ट ना करें जो हक है उसके खिलाफ ही भेज रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा कि आज ये घटना उसके साथ कर तो तुम्हारे साथ भी हो सके, किसी के साथ हक को सपोर्ट करें। भाई साहब ये बड़ी बहुत गलत चीज है और अपने जरूर कमेंट सेक्शन में कि लोगों को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए या इंडिया में करते भी हैं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और भी इस तरह के अगर वाक्य हो तो उसको आपके हिसाब से कैसी सजा। मेरे हिसाब से तो भाई साहब उसको टांगे, बिल्कुल जो शाहरुख है उसने भी बहुत घटिया काम किया है और उसकी जो जायदाद है ना वो भी जब्त करके होनी चाहिए। जो उसके हिस्से की जायदाद है उसको तो टांग दे और उसके जो हिस्से में आने वाली जायदाद थी ना वो इधर दे दे। तो इसका अजाला तो नहीं होगा लेकिन भाई ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं मीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।